Welcome everyone to the 11th day of spoken English class, and today we are going to complete past perfect tense. You must have watched in the previous video, it was a past indefinite and past continuous tense. Past indefinite, past continuous aapne dekh liya, and today we will see past perfect tense. You remember, आपको याद होगा, लाइक वी हैव ऑलरेडी डन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है हैज हैव, हैज हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट. हैज हैव प्लस वी थ्री हिंदी क्या होता है, उसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं. जैसे वह खेल चुका है, मैं पढ़ा चुका हूँ, आप लोग समझ चुके हैं, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सिंपली व्हाट वी नीड टू डू, सिंपली वी नीड टू रिप्लेस हैज हैव बाय हैड. तो हो गया सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे मैं पहले ही टिकट खरीद चुका था. बस एक बात ये ध्यान देना है कि इसमें कोई ना कोई एक कंडीशन भी होगा, जैसे जस्ट, एवर, नेवर, ऑलरेडी, येट, सो फार, बिफोर, आफ्टर या वेन. इनमें से कोई कंडीशन होगा. अगर कंडीशन नहीं होगा तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर बनाया जाएगा. जैसे वह बाजार गया था, तो सिंपली ही वेंट टू द मार्केट. ठीक है, वह पहले ही बाजार गया था, ही हैड ऑलरेडी गोन टू द मार्केट. वह कभी बाजार नहीं गया है, कभी बाजार नहीं गया था, तो ही हैड नेवर गोन टू द मार्केट. इस तरह, जैसे मैं पहले ही टिकट खरीद चुका था, तो मैं आई हैड पहले ही, वो सारे वर्ड को हैड के बाद लगाएंगे, तो आई हैड ऑलरेडी, ऑलरेडी मतलब पहले ही, आई हैड ऑलरेडी खरीदना का, परचेज्ड द टिकट. I had already purchased the ticket. ठीक है, जैसे वह पहले ही बोल चुका था, He had already spoken. वह अभी स्टेशन के लिए निकला है, निकला था. He had just left for the station. This way we can use that, right? Like, Had you ever gone there? क्या आप पहले कभी वहाँ गए थे? क्या आप पहले वहाँ कभी गए थे? ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव. तो इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, हैड को बाहर करेंगे. Had you ever gone there? Had you ever gone there? Had you done this so far? So this way we can frame sentences with past perfect tense. And past perfect tense में दो केस और आता है, before और after से जुड़ने के बाद कैसे बनेगा. देखो, when two actions happen together, जब दो actions साथ में होंगे, दो past के sentences को connect करना होगा before से और after से, तो generally क्या करते हैं, first part आप past perfect का रखो and the second part will be your past indefinite. तो subject प्लस हैड प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन बिफोर. तो फर्स्ट पार्ट आपका हो गया पास्ट परफेक्ट एंड द सेकेंड पार्ट इज देयर ऑफ पास्ट इंडेफिनिट. हियर जब आफ्टर से जुड़ेगा तो यू कैन सी द फर्स्ट पार्ट इज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट एंड द सेकेंड पार्ट इज ऑफ पास्ट परफेक्ट. यू कैन सी हियर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट बिफोर सब्जेक्ट वी टू वन ऑब्जेक्ट पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट. मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी. इसमें ध्यान ये देना है कि पहले काम क्या हुआ, के पहले गाड़ी खुल चुकी थी. ठीक है, तो पहले गाड़ी खुल चुकी थी तो हो गया द ट्रेन हैड स्टार्टेड. द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन. अगर रीच्ड की जगह पर हम अराइव्ड लगाते तो अराइव्ड At the station. Arrived is followed by at, but reached doesn't take any preposition. So the train had started before I reached the station. उसके बोलने के पहले मैं बोल चुका था, के पहले मैं बोल चुका था, तो I had spoken before he spoke. उसके यहां आने के पहले मैं दिल्ली जा चुका था, मैं दिल्ली जा चुका था, तो आई हैड गोन टू दिल्ली बिफोर ही केम हियर. मेरी दिल्ली पहुंचने के पहले ट्रेन खुल चुकी थी और ट्रेनें बंद हो चुकी थी. द ट्रेन्स हैड स्टॉप्ड ड्यू टू लॉकडाउन, राइट. द ट्रेन्स हैड स्टॉप्ड बिफोर आई रीच्ड
दिल्ली. सो दिस वे यू कैन फ्रेम सेंटेंसेस. अगर यही आफ्टर से जुड़ेगा, जैसे रियांश के सोने के बाद मैं घर पहुंचा, ठीक है, तो इसमें भी जो काम पहले होगा उसे पास्ट परफेक्ट में लगाएंगे. के बाद मैं घर पहुंचा, तो पहले रियांश सोया, तो आई रिच्ड होम आफ्टर रियांश हैड स्लेप्ट. यस, बारिश रुकने के बाद मैं घर से निकला, तो के रुकने के बाद मैं घर से निकला. आई लेफ्ट होम, आई स्टेप्ड आउट ऑफ होम, ये भी कर सकते हैं, आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड. ठीक है, उसके स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी खुली, के बाद गाड़ी खुली. द ट्रेन स्टार्टेड आफ्टर He had reached the station. So this way, इन दोनों में एक चीज कॉमन है, जो काम पहले होगा. I repeat, the action which takes place first. दोनों में जो काम पहले होगा उसे हम past perfect tense पर बनाएंगे. जैसे ऐसे sentence बोलकर देखते हैं, उसके आम खरीदने के पहले मैं सेब खरीद चुका था. उसके आम खरीदने के पहले मैं सेब खरीद चुका था. तो पहले काम क्या हुआ, मैं सेब खरीद चुका था, राइट. तो आई हैड बॉट एन एप्पल बिफोर ही बॉट अ मैंगो और मैंगोज. ठीक है, तो जो काम पहले होगा, विच एवर एक्शन टेक्स प्लेस फर्स्ट विल बी मेड अकॉर्डिंग टू पास्ट परफेक्ट टेंस. नाउ दिस इज ऑल अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस. नाउ यू टॉक ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा कि जैसे आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से हैज हैव बीन वी फोर, तो हो जाएगा दे, वे लोग वर्षों से पेड़ लगा रहे थे, तो दे हैड बीन प्लांटिंग ट्रीज फॉर years, वर्षों से. दे हैड बीन प्लांटिंग ट्रीज फॉर years. लाइक मैं वर्षों से पढ़ा रहा था, आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर years, राइट. Since is used for point of time, for is used for period of time, right? This is all about past and past perfect and past perfect continuous tense. Yes. Now I just tell you, I will share one link there in the comment box. You can watch it the video. In that video, I have compared present and past. राइट उस वीडियो में प्रेजेंट और पास्ट दोनों को कंपेयर करके बताया गया है. तो यू कैन वॉच दैट वीडियो विच आई विल शेयर द लिंक इन द कमेंट बॉक्स एंड यू कैन क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट ऑल टुगेदर विच इज़ वेरी इसेंशियल. एंड यू कैन ऑल्सो राइट अ टॉपिक अबाउट योर होम टाउन. होम टाउन मीन्स वेयर यू लिव. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई कैन यू कैन स्टार्ट इन दिस वे, My hometown is XYZ, जो भी नाम हो, मे बी दिल्ली, मे बी अहमदाबाद, मे बी गोवा, राइट, वट एवर वेर एवर यू लीव. सो माई होम टाउन इज XYZ, इट इज अ स्मॉल सिटी और इट इज अ बिग सिटी. ठीक है, इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, जो भी नदी वहाँ होगी, दैट वे यू कैन से इट इज सिचुएटेड और इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ सो एंड सो रिवर, राइट. इट हैज a lot of good schools, colleges and university. You can name some college, universities and schools. You can also say it is famous for, kiske liye famous hai, it is famous for XYZ, right. It has several malls, my favorite mall is this, or you can also talk about it is famous for so and so things. So whatever specialities you find in your city, you can write there. So I request everyone, you should write on your hometown. As I have already told you, the present tense and the past tense, use of there, use of ismr, use of watchword. Those who have still doubt or confusion, you can watch the previous videos to clear the concept. In case you have doubt or confusion, you can ask in the comment box, because when you ask any question, I actually enjoy answering that. So you can do so. And please practice present and past, because now we will be moving. Very soon we will complete the tenses and then we will go for some special structures which will be very helpful there for improving your English. So that is all for today. Thank you.